अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो दोस्तों, मैं आज को बताऊंगा आप PUBG PC Lite बिना कोई लैग के, बिना कोई झंझट के आप कैसे अपने कोई भी वर्सन की पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी वर्सन हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो, कुछ भी चलेगा। पहले तो आप सर्च कर लीजिए PUBG PC Lite लिख कर गूगल में, और इस वाले लिंक में ओपन कीजिए। पहली जो लिंक आता है उसमें ओपन कीजिए, फिर वहाँ पर डाउनलोड लिखा आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ये कुछ लिखा आ रहा है, इसको इग्नोर कीजिए। देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो इग्नोर कीजिए। थोड़ा PUBG PC Lite का न्यूज़ है, कोई अपडेट आ रहा है, क्या फीचर आ रहा है इसमें लिखा है सब, तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर कुछ लिखा आ रहा है, यहाँ पर लिखा आ रहा है हाई स्पेक्स में कितना चलेगा, लो पीसी स्पेक्स में कितना चलेगा। तो यहाँ पर तुम आपका जो लो पीसी है तो 4GB रैम i3-7100 ऐसा कुछ चाहिए, और हाई में i5 मिनिमम 8GB रैम ऐसा कुछ चाहिए, और डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। तो भाई डाउनलोड हो रहा है हमारा PUBG PC Lite। और यहाँ पर यार ये कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा PUBG PC Lite को चलाने के लिए, नहीं तो PUBG PC Lite नहीं चलेगा आपके कंप्यूटर में। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए आप पहले, तो एक एक करके मैं सब कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ। और इसके बाद एक अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है, इसलिए मैं और अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर लॉगिन में जाकर क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो मैं PUBG ओपन कर रहा हूँ यार, फाइल में जा रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ, फाइल में आ गया मैं। तो यहाँ पर मेरा जो डाउनलोड किया है वो सब कुछ है फाइल में, ये रहा सब। यहाँ पर पहले मैं PUBG को ऑन कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। सॉरी, PUBG इंस्टॉल हो रहा है यार। सिंपली आप तो जानते हैं इंस्टॉल कैसे करना है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए पहले PUBG को। कोई भी ड्राइव में इंस्टॉल करना चलेगा यार, कोई भी ड्राइव में। अब जहाँ पर आपका ड्राइव फ्री है वहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। तो मेरा PUBG इंस्टॉल हो रहा है यार, ये रहा इंस्टॉल हो गया। जो यार ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना ये पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो रहा है मेरा। ये यार थोड़ा मेरा पेन ड्राइव है ना, इसलिए ये नोटिफिकेशन आ रहा है। तो यार ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, वो ऑलरेडी तो हो चुका है, ऑटोमेटिक ही हो गया ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, मुझे इंस्टॉल नहीं करना पड़ा अलग से। तो और ये सब सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ यार, जो जो मैंने डाउनलोड किया है वहाँ पर, जो जो बोल रहे थे डाउनलोड करने के लिए। ये सब सॉफ्टवेयर यार इंस्टॉल करना इसलिए पड़ता है यार, कोई भी एरर ना आए यार। बहुत लोग यार नहीं जानते, ये सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हैं, तो इसलिए यार बहुत लोगों का एरर आता है, PUBG नहीं चलता, बहुत कुछ इशू आता है। तो ये सब तो यार इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो इंस्टॉल कर लिया हूँ, अब यार ओपन करता हूँ मैं। लोडिंग लेगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस, जो अकाउंट क्रिएट किया वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यार ये खुल चुके हैं, और इंस्टॉल करने के लिए बोला है, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं ये PUBG PC Lite को। तो फाइनली दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है, और यार अब स्टार्ट करते हैं रनिंग, और ये स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये गेम स्टार्ट हो गया है।
तो ऐसे ही हम बिना कोई एरर के PUBG PC Lite को हमारे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं बिना कोई एरर के और आराम से खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हो सके तो यार लाइक कर देना और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी दिखा देना यार। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।